हेलो गाइस, मेरा नाम है जीतू। आप देख रहे हैं जीतू इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मेरे पास है नॉइस का टर्न लाइट, निक बैंड है, ब्लूटूथ वायरलेस। आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा क्या क्या फीचर्स है और कैसा दिखा है लुक वाइज, और उसके साथ में क्या क्या आता है। आप मेरे से बाय करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मुझे फॉलो करो। आप इंस्टाग्राम से आप ये बाय कर सकते हो। और आपने मेरा चैनल पर पहली बार आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल का आइकॉन दबाइए। नॉइस टोन लाइट्स आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखा जाए तो प्रिंट तो अच्छी लग रही है और बॉक्स भी बहुत अच्छा है। ये नॉइस का निक बैंड है और इस पर MRP लिखा है 2199 है, और 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। और ये अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देता हूँ अंदर से लुक वाइज कैसा है। और भी इसमें क्या है, ये वारंटीज कार्ड है। ये नौरव फतेही और रोहित शर्मा स्पॉन्सर है। 1 ईयर वारंटी कार्ड है ये, और ये आपको यूजर मैनुअल मिलेगा साथ में कैसे आप यूज़ कर सकते हो। और ये एक्स्ट्रा बड्स है, स्मॉल, लॉन्ग और मीडियम, 3 साइज़ का आएगा। और भी इसमें क्या है, और ये USB माइक्रो डेटा केबल्स है। और ये निक बैंड नॉइस का है। देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्या फीचर्स है। और ये मैग्नेटिक सिस्टम है, मैग्नेटिक सिस्टम है। और ये निक बैंड है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मस्त है। और ये माइक्रो USB चार्जिंग के लिए चार्जिंग। नॉइस निक बैंड की रेंज है 10 मीटर है, 10 मीटर तक आपको ये कैचअप कर लेगा। और दूसरी बात है कि प्लस पॉइंट ये है कि 2 डिवाइस में कनेक्टिविटी है, 2 फोन में, मतलब आप कनेक्ट कर सकते हो उसको, 2 फोन में एक साथ यूज कर सकते हो। और डिजाइन भी बहुत मस्त बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, और एकदम कंफर्टेबल लग रहा है मेरे को। लेफ्ट राइट से, और ये चार्जिंग के लिए पिन से, और चार्जिंग इंडिकेटर कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे चार्जिंग लगाएंगे तो रेड लाइट होगा, और जैसे फुल हो जाएगा तो ग्रीन लाइट हो जाएगा। और ये म्यूजिक टैंक पे 10 आवर्स तक बैटरी बैकअप से प्ले टाइम, और स्टैंड बाय में 300 कलाक तक इसका बैटरी बैकअप चलेगा, और म्यूजिक टाइम पे आपको 10 आवर्स, और उसको चार्जिंग कम से कम 1.5 घंटा टाइम जाएगा फुल होने में, 100% होने में 1.5 घंटा टाइम जाएगा आपको। और जैसे फुल होगा ग्रीन लाइट हो जाएगा। और अपन चालू करके भी देख लेते हैं, ऑन करके भी। 20 का बटन आप प्रेस करके रखेंगे तो ऑन हो जाएगा। जब तक आपको नहीं छोड़ना है तब तक रेड ब्लू नहीं हुआ। अभी आपको छोड़ के आपको डिवाइस में कनेक्ट करने का रहेगा। और दूसरी बात इसमें कि आपको टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आ जाए, डिसकनेक्ट नहीं हो रहा है, दूसरा कोई भी ब्लूटूथ में प्रॉब्लम हो जाएगा, इश्यू रहेगा, तो ये रिसेट करना पड़ता है। रिसेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप और डाउन दोनों बटन्स प्रेस करके रखो 7 से 8 सेकेंड तक, तो ऑटोमेटिक रिसेट हो जाएगा। चालू करने के बाद आपको दोनों बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा तो ब्लूटूथ रिस्टॉल फैक्ट्री हो जाएगा, तो वापस एकदम कंप्लीट हो जाएगा। कोई इश्यू आ रहा होगा ब्लूटूथ निक बैंड में तो आप ऐसा कर सकते हो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखते कनेक्ट करके डिवाइस में नाम आएगा नॉइस टून लाइट। ये मैंने कनेक्ट कर लिया है, और जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा लाइट बंद हो जाएगी। और देख लेते बटन्स कैसे वर्क करते हैं इसके। इसका प्ले पुश है,
एक बार दबाएंगे तो प्ले हो जाएगा और दूसरी बार दबाएंगे तो पुश हो जाएगा, और ऐसे दबाएंगे तो वॉल्यूम अप हो जाएगा, और प्रेस करके रखेंगे तो आपके सॉन्ग नेक्स्ट हो जाएगा। और 20 का बटन्स आप 3 सेकंड प्रेस करके रखेंगे, ज़्यादा मत रखना, हर 3 सेकंड। जैसे 3 सेकंड रखेंगे तो वॉइस असिस्टेंट चालू हो जाएगा। ये देखो हो गया, खाली 3 सेकंड ही लगा कर प्रेस करके रखना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम आप प्रेस करके तो ऑफ हो जाएगा। और ये वाटर रेसिस्टेंट है, IPX5 वाटर रेसिस्टेंट है, मतलब बूंदाबांदी बारिश में आप यूज़ कर सकते हो, उसको कुछ नहीं होगा, और बहुत अच्छा है। और साउंड सिस्टम कैसा है, साउंड क्वालिटी कैसा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ सुन के आपको, और कितना कंफर्टेबल है कान में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और भी अपन देख लेते हैं कितना कंफर्टेबल रहेगा कान में। बहुत ही मस्त लग रहा है, एकदम परफेक्ट साइज है। और इसमें मैग्नेटिक सिस्टम आती है, आपका काम हो जाए, सॉन्ग सुनने का मन नहीं है तो आप ऐसे रख सकते हैं मैग्नेट के। और अपन देख लेते हैं और भी उसमें साउंड कैसा है। साउंड बहुत मस्त है और बहुत ही अच्छा साउंड है इसमें। और आपको वीडियो कैसा लगा वो और कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताइए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।